जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि सब जो है वो खैरियत से होंगे। हाँ जी बच्चे, हमारा जो है वो अमेज़ॉन सेल्फ पब्लिशिंग का जो है वो कोर्स चल रहा है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पेन नेम्स एंड ऑथर सेंट्रल, और ऑथर सेंट्रल पेज के अंदर जो है वो हम बुक्स जो है वो किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये बच्चे हमारा जो है वो आज का टॉपिक है। तो चले हम करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को कि पेन नेम्स जो है वो किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि पेन नेम्स क्या होते हैं। जैसे मेरा नेम जो है वो अजमत हुसैन ताहिर है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फुल नेम जो है वो अपनी बुक पे अपलोड ना करूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना शॉर्ट नेम जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, या कोई और नेम इस्तेमाल कर लेता हूँ। या आप एक टीम वर्क में जो है वो काम करते हैं, तो फिर एक पर्सन का ऑथर नेम तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो पूरे अगर 5 मेंबर्स हैं टीम के, तो पांचों के जो है वो नेम ऐड करने होंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप फिर एक नेम किसी का इस्तेमाल नहीं करते, आप जो है वो एक पेन नेम जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, एक कॉमन नेम इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसे हम पेन नेम का जो है वो नेम देते हैं। जैसे ये जो आपका ऑथर नेम है ना, बेसिकली ऑथर नेम ही आपका जो है वो पेन नेम होता है, जो आप डिफरेंट नेम से क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं हम कि पेन नेम जो है वो किस तरीके से क्रिएट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप यूज करें पेन नेम जनरेटर, ठीक है। ये एक वेबसाइट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी मदद से आप पेन नेम जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। जैसे ये पेन नेम जनरेटर, मैंने वेबसाइट ओपन की, सेकंड लिंक ओपन करना है बेटे, ठीक है। तो ये ओपन करने के बाद आप क्या करें, अपना नेम लिखें इधर, मैंने अपना जो है वो नेम ऐड कर दिया। अब उसने कुछ नीचे और जो है वो इंस्ट्रक्शन आपसे पूछी हैं, ठीक है। जैसे उसने पूछा है फर्स्ट पेट नेम क्या है आपका, ठीक है, किस जगह पे रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका जो है वो निक नेम क्या है, ठीक है। तो सारी चीजें उसने जो है वो इधर पूछी हुई है आपसे, आपने जो है वो इंटर करवा लेनी है। मैं आपको सजेस्टेड जो है वो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो पेन नेम इधर क्रिएट होगा म्यूचुअली ना। ये मैं इधर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऊपर जाके हम जो है वो एज सच इधर फाइल इंटायर इस पे जो है वो क्लिक करें, तो आपके सारे जो है वो रेलेवेंट क्लिक हो जाएंगे, वो खुद ही जो है वो इंटर करवा देगा सारे के सारे, ठीक है। ये देखें जी, ये इंटर करवाए उसने। इंटर करवाने के बाद इधर आप जो है वो राइट मी सम पेन नेम्स, तो इस पे क्लिक करें। वो क्या करेगा, आपको आपके नेम के रिलेटेड जितने भी पेन नेम्स होंगे वो बना के खुद ही जनरेट करके दे देगा, ठीक है। जैसे उसने जनरेट किया है जी पेन नेम्स फॉर, ठीक है, आपके नेम के रिलेटेड जनरल नेम्स है पहले दिए उसने, ये वाले सारे के सारे आप जो है वो जनरल नेम इस्तेमाल कर सकते हो एज अ पेन नेम, ठीक है। तो ये सीन हुआ। उसके बाद हार्ड हिटिंग क्राइम पेन नेम्स, ठीक है, उसके बाद पेन नेम्स फॉर रोमांस नॉवेल्स, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट जो है वो उसने पेन नेम्स बना के दे दिया आपको, ठीक है। जैसे पेन नेम्स फॉर फैंटेसी नॉवल्स, पेन नेम्स फॉर साइंस फिक्शन, ठीक है, इवन मोर पेन नेम्स, ये सारे के सारे जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आपने जो है वो नोट कर लेना है, बाद में क्वेश्चन सेशन में आप अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये इस तरीके से आप जो है वो अपना पेन नेम क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई पेन नेम की। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या जी, ऑथर सेंट्रल पेज। अब ऑथर सेंट्रल पेज से क्या मुराद है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फायदा है ऑथर सेंट्रल पेज बनाने का, ठीक है। तो ये बच्चे हम जो है वो डिस्कस करते हैं। बच्चे ऑथर सेंट्रल पेज क्रिएट किस तरीके से करवाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, एक न्यू ओपन करके, ठीक है।
आपने वेबसाइट बेटे यूज करनी है ऑथर सेंट्रल, ऑथर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, ठीक है। ये बेटे आपने जो है वो लिंक ओपन करना है, ऑथर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, ठीक है। तो ये बच्चे ओपन कर लें। अब ये ऑथर सेंट्रल पेज आपका तब क्रिएट होगा जब आपने अपनी सेल्फ पब्लिशिंग की एक बुक जो है वो अपलोड कर दी, ठीक है। बुक अपलोड करने के बाद वो इधर शो करवा रहा है कि आप जो है वो रिसेंट ईमेल जो है इधर करते हैं, ये बेटे वेरीफाई होती है ईमेल, मैं चेक करता हूँ, ठीक है। आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा और वो क्या बोलेगा कि आपकी मेल के ऊपर आपको जो है वो सेंड करेगा ये, ठीक है, लिंक सेंड करेगा। उधर से आप उसे वेरीफाई करेंगे, मैं मोबाइल से अभी जो है वो इसे वेरीफाई करवाता हूँ, तो फिर जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट बेटे, मैं जरा ये वेरीफाई करवा लूँ, फिर जो है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं। और बेटे अमेजोन जो ऑथर सेंट्रल पेज है ना, ये अमेरिका का अलग बनेगा, हर मार्केट प्लेस का अलग से बनेगा। और तब तक जो है वो मैं आपको इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ कि अमेजोन ऑथर सेंट्रल पेज बनाने के एडवांटेज क्या होते हैं। एक तो जो भी पर्सन है वो आपको डायरेक्टली, अगर किसी भी पर्सन को आपकी बुक्स जो है वो पसंद आती हैं तो वो डायरेक्टली आपके पेज पे आके आपकी सब जितनी भी बुक्स हैं उनको जो है वो रीड कर सकता है, ना कि अकेली अकेली बुक्स वो अमेजोन पे जो है वो डाउनलोड करे, ठीक है। उधर जो है वो आपकी बुक्स को देखे और परचेज करे। ऐसे ये एक तरह का बेटे ऑथर सेंट्रल पेज आपका चैनल ही है, जिस तरीके से आप यूट्यूब चैनल जो है वो बनाते हैं, इसी तरीके से आपका जो है वो ऑथर सेंट्रल पेज क्रिएट होता है। ये अभी जो है वो मैं मेल कंफर्म करता हूँ, देन जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो है वो मेल कंफर्म की है, और एक बात याद रखनी है कि जिस पेज को आप ओपन करना चाहते हो ना, वही जो है वो लॉगिन होनी चाहिए आईडी आपके, इसके साथ वही स्टोर जो है वो आपका लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि मेरे स्टोर 4 स्टोर हैं इस टाइम, ठीक है। तो ये वाला जो स्टोर है मैं इसे ही ओपन करवाना चाहता हूँ, ये ठीक है। ये तो अब जो है इसका मैं अगेन से रिसेंट ईमेल करता हूँ, या ना मैं फिर आपको जो मेरा पेज बना हुआ है वही मैं दिखाता हूँ कि आथर ये चीज, ठीक है। तो ये बेटे आप जो है वो इधर से क्या करेंगे, इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा तो आप ज्वाइन फॉर फ्री करें, ठीक है। अब जो है जो आप पेज ओपन करवाना चाहते हैं उसे इधर क्या करें, साइन इन कर लें, ठीक है। तो ये इधर जो है वो आप वेरिफिकेशन पुट करेंगे ओटीपी, ठीक है। ये ओटीपी बेटे लगाएं,
ओटीपी लगाने के बाद आपका आर्थर सेंट्रल पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब असल में मैं इधर आपको क्यों करवा रहा था, मैं सिर्फ चेक करवाना चाहता था कि एक मैसेज जो है वो शो होता है आपको, वो मैं अभी आपको इसी पे जो है वो बता देता हूँ, इसलिए मैं वो कर रहा था। अब बेटे ये जो शो हो रहा है ना, इस जगह पे आपको एक मैसेज शो होगा वेरिफिकेशन का कि अमेजोन आपके आर्थर सेंट्रल पेज को रिव्यू करेगा, ये 5 से 6 घंटे बाद वो रिव्यू करके वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद आपको ऐसा पेज शो होगा, ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना है उस पेज पे, आर्थर सेंट्रल पेज पे आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो ये करनी है, प्रोफाइल को एडिट करना है। तो प्रोफाइल में आप क्या क्या एडिट करेंगे बच्चे, सबसे पहले अपनी जो है वो पिक ऐड करें कोई भी, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड कर दें, ठीक है। तो इधर मैंने भी पिक ढूंढता हूँ, अगर इधर से पिक जो है वो ऐड कर देते हैं हम, चलें ये नहीं ठीक, और जो है वो देख लेते हैं। ओहो, आप इसे एडिट कर लें पिक को। ये ठीक है, आप अपनी जो है वो पिक लगाएं, उसे जो है वो एज सच पब्लिश कर दें, ठीक है बच्चे। पब्लिश करने के बाद ये पिक जो है वो आपकी अपलोड होगी है। उसके बाद आप क्या करें बेटे, अपनी जो है वो ऐड बायोग्राफी, आप जो है वो बायोग्राफी इधर जो है वो ऐड करें, ठीक है। आप अपने मुतल्लिक जो है वो लिखें बायोग्राफी, मैंने इधर 2-3 सेंटेंस लिखे थे ताकि हमारा इधर जो है वो टाइम ना लगे इतना, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा लिखा है, इसे एज सच जो है वो कॉपी करके लगा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद ऊपर से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें इंग्लिश, ठीक है। देन जो है वो इधर प्रीव्यू बायो पब्लिश बायोग्राफी, ठीक है। ये बेटे आपकी बायोग्राफी भी जो है वो पब्लिश हो गई है। अब ये सारा काम क्यों किया जाता है, अगर कोई भी पर्सन आपकी बुक देखता है, जैसे मैंने ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर किसी को मेरी जो है वो स्टोरी अच्छी लगती है, ठीक है, वो क्या करेगा, एज सच मेरे जो है वो ऑथर नेम पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि इधर जो है वो मेरी प्रोफाइल जो है वो उसे शो हो रही होगी, तो वो उसे क्या कर लेगा, फॉलो कर लेगा। जब वो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेगा तो कोई भी बुक जब मैं न्यू अपलोड करूंगा तो डायरेक्टली जो है वो मेरी बुक के ऊपर जो है वो रिव्यू आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो आपको जो है वो उसके जो जो जिसने जिस ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया होता है तो आपको उसका क्या होता है, व्यू, वो उसे देख लेता है अगर उसकी जो है वो मर्जी है, ठीक है, अगर देखना चाहता है तो। यही सीन इसमें जो है वो हो रहा है, ठीक है। आपने ये काम कर लिया, अपनी प्रोफाइल जो है वो, प्रोफाइल के अंदर ये दो चीजें ही आपको ऐड करना होती हैं, एक तो अपनी पिक और सेकेंडली अपनी जो है वो बायोग्राफी। फिर बेटे इसमें क्या होता है, इधर मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। अगर आप अपनी प्रोफाइल को, इसको ऑथर पेज को प्रमोट करना चाहते हो तो इधर से लिंक क्रिएट कर लो, ठीक है, अपना लिंक जो है वो कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद फेसबुक पे उसे शेयर करो, जब आप डिफरेंट प्लेसेस पे शेयर करोगे लोग जो है वो इसे विजिट करेंगे, तो होगा क्या कि आपका पेज जो है वो प्रमोट होगा। जैसे एक चैनल प्रमोट होता है, सेम ऐसा आपका पेज प्रमोट होगा, ठीक है। तो जब आपका पेज प्रमोट होगा तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज होगी। जितनी भी आप लो कंटेंट बुक या कलरिंग बुक जो भी आप बुक्स लिखते हैं तो वो आप इसके साथ अटैच करवाएंगे तो आपकी क्या होगी, सेल ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ेगी, व्यूज जो है वो ज्यादा आएंगे, ठीक है, ये सीन होता है। उसके बाद आप मैनेज ब्लॉग फीड्स, तो ये किसका फंक्शन है कि आप अपने जो है वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप अपने मुतालिक जो है वो अपने व्यूवर्स को, जितने भी आपके जो है वो कस्टमर होंगे, जिन लोगों ने आपको फॉलो किया होगा,
जो लोग आपको लाइक करते होंगे, तो आप अपनी अपडेशन जो है वो देते रहें, क्योंकि आप जो है वो ऑथर हैं, तो लोग आपके फैन भी ऑटोमेटिकली बनेंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे तो। ठीक है, तो जो आपके फैन होंगे वो ऑटोमेटिकली चाहेंगे कि मैं अपने जो है वो जिसको मैं जिसका फैन हूँ तो उसके रिलेटेड अपडेट मुझे मिलती रहे। तो आप इधर से अपना ब्लॉग बना के भी जो है वो अपलोड करते जाओगे, ठीक है, वो भी कर सकते हो। उसके बाद अपने रिलेटेड पिक्चर्स, वीडियोस, ये सारा सीन जो है वो आप अपलोड करवा सकते हो अपने ऑथर सेंट्रल पेज पे। अदरवाइज आप अमेजोन पे ये सारी चीजें नहीं अपलोड करवा सकते, ठीक है, अपने ऑथर सेंट्रल पे आप ये सारी चीजें अटैच करवा सकते हो, अपने रिलेटेड ए टू जी जो है वो सारा डाटा फिल कर सकते हो इधर। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स की। अब नेक्स्ट जो है वो बुक्स की बारी आती है कि आपने जो भी बुक अपलोड की, अपलोड करने के बाद मैं इधर अपना स्टोर ओपन कर लेता हूँ। अपनी बुक्स अपलोड करने के बाद आप उसको तीन तरीकों से जो है वो अटैच करवा सकते हो। एक तो ISBN नंबर से, एक अपना ऑथर पेज से, जैसे मैं लिखता हूँ कि इधर सर्च कर लेता हूँ अपना नेम ही। आप अपना नेम ही सर्च करें तो आपकी ऑल बुक्स जो है वो इधर ओपन हो जाएंगी। ठीक है, आपको उससे जो है वो साथ में अटैच करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अटैच नहीं होंगी। ठीक है, आपको खुद जो है वो साथ अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, वो किस तरीके से करनी है, आपने ऐड ए बुक में जाना है। ठीक है, ये मैंने दो बुक्स ऐड की हैं, जितने उसके एडिशन होंगे वो सारे के सारे शो करवाएगा। अगर आपके जो है वो ई बुक अपलोड की, पेपर बैक अपलोड किया, तो वो शो करवा देगा कि इसका किंडल भी है और पेपर बैक भी है। ठीक है बच्चे, ये सीन है। अब बैक जाएं, आप इस पे क्लिक करें ऐड ए बुक। ऐड ए बुक में क्लिक करने के बाद आप जो है वो ISBN नंबर से या टाइटल से या ऑथर नेम से, ये तीन मेथड हैं, तीन मेथड की मदद से अपनी बुक को जो है वो अपने ऑथर सेंट्रल पेज के साथ अटैच कर सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बेटे ऑथर सेंट्रल पेज क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद मस्त जो है अपनी बुक को इसके साथ अटैच करें। मैं अपना नेम ही सर्च करता हूँ तो मेरी जितनी बुक्स होंगी वो सारी की सारी इधर जो है वो शो करवा देगा। ठीक है, जैसे ये जो है वो मेरी बुक्स इधर शो करवा दी, दो मैंने ऐड की हैं, थर्ड वाली भी इधर ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखें ऐड दिस बुक, ओके हो गया बच्चे। तो ये आप अपनी बुक जो है वो ऐसे इधर ऐड करवा सकते हैं। अब आपने अपनी बुक जो है वो इधर ऐड करवा दी, ऐसे ही जितनी बुक्स ऐड करना चाहते हैं सभी बुक्स को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अपना नेम सर्च करके भी या ISBN नंबर से या आप जो है वो अपने टाइटल से। ठीक है, 1 से 2 मिनट के बाद आपकी बुक जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, ये सीन होगा। अब बात आती है कि ISBN नंबर क्या होता है, वो जरा एक दफा मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी बुक का ISBN नंबर क्या होगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि ये जो मेरी बुक है, ठीक है, इसका ASIN नंबर ये वाला, ठीक है, उसकी मदद से भी हम ले सकते हैं। मैं इस बुक को ओपन करता हूँ और इसका ISBN नंबर कॉपी करके तो उसकी मदद से भी उसे जो है वो अटैच करता हूँ, ऐड करता हूँ, ताकि आपको दिखा दूँ कि इन सारे वे से हम जो है वो अपनी बुक को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, या आप ASIN नंबर जो है वो इसे कॉपी करें एज सच, क्योंकि ये जो नंबर है ये हर बुक का डिफरेंट होता है। ठीक है जी, तो ये आप बेटे इधर जो है वो पेस्ट करें और इंटर कर दें, आपकी बुक जो है वो ओपन हो गई है इधर। ठीक है, तो आप अपनी बुक को जो है वो इस तरीके से ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो है वो ओपन कर ली, अब जो है वो ऐड दिस बुक। ठीक है, अगर आपने सिंगल बुक को ऐड करवाना है तो आप इस तरीके से जो है वो ऐड करवा सकते हो। ठीक हो गया बच्चे, ये सीन है आपके बुक्स वाले पोर्शन के अंदर। आप ये सारी की सारी चीजें जो है वो करवा सकते हो कि बुक को किस तरीके से ऐड करवाना है। अब हम बेटे नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्ट्स प्लस मार्केटिंग पे। अब रिपोर्ट्स प्लस मार्केटिंग में क्या आएगा कि जिस पर्सन ने
आपकी बुक पे ऊपर कोई भी रिव्यू दिया होगा तो आप इधर से रिव्यू जो है वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स रैंक चेक कर सकते हैं कि किस बुक का कितना जो है वो रैंक आया है, ये सारी चीजें। जैसे मैंने ये बुक ऐड की, ठीक है, उसका जो है वो उसने सेल्स रैंक बता दिया है 1 वीक के लिहाज से कि कितना आया है, 88,947। तो अब इसका मैं कैलकुलेट करके आप जो आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि इसकी डे की सेल जो है वो कितनी हो रही है मेरी इस बुक की। तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि BSR कैलकुलेटर इस्तेमाल करें बच्चे, ठीक है। तो उधर से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बुक की जो है वो कितनी सेल है, ठीक है। तो आप इधर लाएं, इसे पेस्ट करवाएं इधर, और कॉमा जो है वो आपने ख़त्म करवा देना है। तो आप ज़रा देखें, ठीक है, 4 बुक्स जो है वो डेली जो है वो सेल होती हैं। अगर मुझे एक बुक के बदले एक जो है वो डॉलर प्रॉफिट होता है, तो $4 जो है वो मुझे जो है वो इसी बुक से मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने 10 बुक्स अपलोड की हैं, 15 बुक्स अपलोड की हैं, उनमें से 3 से 4 बुक सेल होती हैं डेली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, $5 से $10 आपको आते जा रहे हैं। ये इनिशियल बात बता रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग में बात बता रहा हूँ। ये सारा सीन है कि आप अपनी बुक्स की जो है वो रैंकिंग भी देख सकते हो इससे, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये रैंकिंग जो है वो amazon.com की है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट मार्केट के लिए आपको जो है वो डिफरेंट ऑथर सेंट्रल पेज क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे amazon.com में .UK में इसकी जो है वो रैंकिंग कुछ और होगी, ठीक है। जैसे ये जो है वो शो करवा रहा है उसमें उसकी कोई रैंकिंग नहीं है, ठीक है, लोगों ने नहीं देखा इसलिए उसने जो है वो कोई रैंक नहीं दिखाया। सिर्फ अमेरिका के अंदर वो सेल हो रही थी तो अमेरिका का उसने जो है वो शो करवा दिया। ये बेटे सारी चीजों से जो है वो आप अपडेट रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक स्कैन वीकली सेल्स रिपोर्ट, तो इधर से आप जो है वो वीकली सेल रिपोर्ट जो है वो अपनी देख सकते हैं कि वीकली जो है वो कितनी सेल हुई है। क्योंकि मैंने अभी जो है वो बुक कोई ऐड ही नहीं की, आपके सामने 2 से 3 बुक्स ऐड की हैं इसलिए अभी जो है वो शो करवा ही नहीं रहा, ठीक है। मैंने अभी जो है वो आपको दिखाया ये काम, ठीक है। उसके बाद बच्चे कस्टमर रिव्यूज, तो आप नीचे से अपने जो है वो कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं कि किस कस्टमर ने क्या रिव्यू दिया है। क्योंकि अभी जो है वो मैंने पेज बनाया है तो इसलिए कोई भी रिव्यू जो है वो शो नहीं हो रहा, अदरवाइज मेरी बुक्स के ऊपर जो है वो रिव्यूज आए हैं, ठीक है बच्चे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो होम पे चलते हैं, तो और कुछ चीजें जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये आपका डिस्कवर व्हाट एल्स अमेजोन कैन डू फॉर यू, ठीक है। अब अमेजोन हमें कुछ चीजें जो है वो सजेस्ट कर रहा है, 3 उसने जो है वो लिंक दिए हैं। ये किस चीज के रेलिवेंट है, ये अभी अभी जो है वो अमेजोन ने अपडेशन की है, 2 दिन हुए हैं, ठीक है। वो क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ बच्चे। फर्स्ट है जी आपका ये लिंक है कि आप अमेजोन किंडल का जो है वो स्टोर साइन इन करवा सकते हो डायरेक्टली ऑथर सेंट्रल से, उस पेज पे जो है वो जा सकते हो, ठीक है। इधर से साइन इन करेंगे तो आप अपने पेज पे चले जाएंगे, ठीक है जी, आप अपने स्टोर पे चले जाएंगे। एक लिंक ये मौजूद है। सेकंड लिंक बेटे ये आपका किंडल क्रिएट के रिलेटेड। अब हम जो है वो बुक बनाते थे MS वर्ड के ऊपर, ठीक है, MS वर्ड पे बुक बनाते थे जिसमें जो है वो फॉन्ट साइज डिफरेंट होता था, पिक्चर हम सेंटर में रखते थे, ठीक है, तो डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स आती थी। तो अब अमेजोन ने हमें जो है वो फ्रीली टूल प्रोवाइड करता है, फ्रीली सॉफ्टवेयर देता है कि आप अपनी बुक को जो है वो इधर ला के सेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड फॉर PC करेंगे तो आप अपने उस जो है वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करवा सकते हो। जैसे मैं चेक करवाता हूँ कि ये आपका किंडल क्रिएट का सॉफ्टवेयर क्या है, ये है जी आपका किंडल क्रिएट का सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंशाल्लाह इस पे वर्किंग किस तरीके से करनी है इसका लेक्चर मैं अलग से रख लूंगा, फिर आपको A to Z इस पे वर्किंग करना जो है वो सिखाऊंगा, किस तरीके से आपने किंडल क्रिएशन को जो है वो यूज करना है, ठीक है जी। फर्स्ट बात तो आपकी होगी ये वाली, सेकंड उसके बाद है बच्चे ये। इसके बाद थर्ड है पॉइंट आपका किंडल प्रिव्यूर के नाम से। तो अब बेटे इससे क्या मुराद है, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ई पब्लिशिंग की जो बुक होती है ना बेटे वो हमारे सिस्टम में जो है वो ऑन नहीं होती, हम अपने सिस्टम में जो है वो उसे व्यू नहीं कर सकते। आपने तो बुक को बना के अपलोड कर दिया, अब आपको ये नहीं पता कि जो यूजर इसे रीड कर रहा है
उसे किस तरीके का प्लेटफॉर्म जो है वो नजर आ रहा है, उसे किस तरीके से आपकी बुक जो है वो नजर आ रही है। वो अमेजोन कहता है कि आप अपनी बुक को अपलोड करने से पहले खुद भी चेक कर सकते हो कि कस्टमर के लिए ये किस तरीके से कस्टमर इसे जो है वो रीड करता है। ठीक है, तो ये बेटे सॉफ्टवेयर है एक, इसे भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो। डाउनलोड नाउ करो और आपका सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसे भी मैं ज़रा विजिट करवा देता हूँ। ये किंडल क्रिएट ओपन हुआ है, ये बताता हूँ। ये है बेटे ये किंडल प्रीव्यू 3 के नाम से। इसे भी मैं दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसका हल्का सा जो है वो यूज़ भी बता देता हूँ अभी। जी बच्चे, अभी जो है वो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग बच्चे जो है वो पूछ सकते हो। चले एक मिनट, ये ज़रा मैं आपको सॉफ्टवेयर से काम जो है वो दिखा दूं कि किस तरीके से काम करता है। आप क्या करेंगे, ओपन बुक करें, ठीक है, इस पर क्लिक करें और अपनी बुक को जो है वो, ये जैसे मेरी बुक है 10 मोस्ट सक्रिय स्टोरीज, तो मैं इसे ओपन करता हूँ क्योंकि ये पहले ई पब्लिशिंग की बुक थी, इसे आप अपने सिस्टम में ऑन नहीं थे करवा सकते। जिस तरीके से ये आपको पेज नज़र आ रहा है, इसी तरीके से यूज़र के पास जो है वो शो होता है। ठीक है, तो यूज़र जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो रीड कर सकता है आपके डाटा को। ठीक है, ये ज़रा अटैच हो, फिर मैं जो है वो आपको वे बताता हूँ। जी आपकी 1 मिनट मैं करता हूँ। जी आपकी बोल लें। सर, मैंने पूछना था कि आपने जो पेन नेम हमें बताए थे, तो जी, वो जस्ट 1 मिनट बताता हूँ बच्चे, उसमें जो वन हमारे मिनट कैटेगरी के लिए हम बताता हूँ यूज बेटे, कर सकते बताता हैं। हूँ बताता हूँ। ये बेटे जरा देखें कि आप जो है वो पेज साइज अपनी मर्जी से ठीक कर सकते हो, अपनी मर्जी से रख सकते हो जितना आपका दिल है। ठीक है, ये सारा सीन ये समझ लें कि किंडल का सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसका साइज जो है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे ये जो है वो मैंने कर लिया। ठीक है जी, ये सीन हुआ। उसके बाद बेटे आप जो है वो अपना ये फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, जितना आप चाहते हो उस तरह से आप जो है फॉन्ट साइज रख सकते हो नीचे से, ये सारा सीन। ठीक है, ये यूजर के लिए है जो आपकी बुक को रीड कर रहा है। ठीक है, उसके लिए। उसके बाद बेटे साइज है, आपका फॉन्ट साइज कितना वो रख के पढ़ सकता है, 4 जो है वो नॉर्मल होता है, उसके अलावा जितना भी किसी को रखना है वो रख के अपने जो है वो बुक को रीड कर सकता है। ये इस तरीके से उसे जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सीन है, ये देखें जी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप इधर से फॉन्ट स्टाइल किस तरीके का रखना चाहते हैं वो भी बेटे जो है वो चेंज करवा के सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा सीन है। मैं फिर बात रिपीट करता हूँ बेटे, ये यूजर के लिए है, जो यूजर आपकी बुक को रीड करता है उसे आपकी बुक किस तरीके से शो होती है वो ये प्लेटफॉर्म है। क्या आपको जो है वो एक दफा पता चल जाए कि मैंने जो बुक लिखी है वो यूजर के पास किस शेप में जा रही है, किस तरह से पहुंच रही है। ठीक है, ये सीन है। बात ओके हुई बच्चे, ये सारे का सारा जो है वो सीन है। ठीक है जी, आप अपनी बुक को जो है वो देख सकते हो। पहले जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं थे ऐसे कि हम जो है वो ईपब को ऑनलाइन तो ओपन कर सकते थे, लेकिन अमेजोन अब जो है वो खुद हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है कि आप अपनी बुक को जो है वो चेक कर सकते हो कि वो किंडल प्लेटफॉर्म पे जो है वो किस तरीके से शो होती है। ठीक है, ऑनलाइन, ये सारा सीन है बच्चे। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं ये किंडल क्रिएट की। तो किंडल क्रिएट के अंदर बेटे आप अपनी फाइल को जो है वो अपलोड करवा के इधर से, ठीक है, दिखाता हूँ। ठीक है, आप अपनी फाइल को इधर से अपलोड करवाएं और उसे जो है वो
डिफरेंट स्टाइल में जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं एक स्टोरीज फॉर चाइल्ड ये बुक ओपन करता हूँ, वो उसे जो है वो ओपन करवा देगा। अभी इधर थोड़ा सा टाइम लेगा तो फिर उसे जो है वो ओपन करवा देगा किंडल क्रिएट के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो उसे आप अपने लिहाज से जो है वो एडजस्ट करवा सकते हो, ठीक है जी। ये चीज़ है। नहीं बेटे फातिमा, बच्चे जो रीडर होता है ना उसे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि किंडल का मतलब ही ये है। असल में हम तो हमारे पास टैब नहीं ना है, उधर दिखाया मैंने बंद कर दिया है, वो टैब में जो है वो ओपन हो रही होती है बुक्स। टैब के अंदर ये सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल हुआ होता है सारा कुछ, ठीक है। ये सारा सीन होता है। ठीक हो गया बेटे। एक दफा जो है वो मैं अपनी सारी बात रिपीट कर देता हूँ कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या सारा काम किया। सबसे पहले हमने देखा था, टॉपिक था हमारा पेन नेम का, ठीक है। पेन नेम एंड ऑथर सेंट्रल पेज। तो पेन नेम्स के अंदर मैंने आपको बताया कि पेन नेम क्या होता है, कि आपने जो है वो अपना कोई भी नेम है, जैसे अगर आप टीम वर्क काम कर रहे हो, अगर 5 मेंबर्स हैं, 5 पर्सन हैं, तो आपने क्या करना होता है कि 5 पर्सन का अलग अलग नेम तो लिखने से रहे, तो आप क्या करोगे, एक पेन नेम जो है वो कॉमन इस्तेमाल कर लोगे। तो वो पेन नेम आप क्रिएट कैसे करवाओगे, उसके लिए मैंने आपको बताया पेन नेम जनरेटर, जिसके अंदर आप सिर्फ अपना नेम लिखें इधर फर्स्ट में और लास्ट में जो है वो इधर नेम लिखते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है वो आप इस पे क्लिक करें फाइल इंटायर फॉर्म के, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो बेटे आपको जो है वो सारे के सारे बाकी जो सजेस्ट वैल्यूज हैं, ठीक है, टर्म्स हैं, वो सारी की सारी फिल कर देगा। उसके बाद आप क्लिक करें राइट मी सम पेन नेम्स, तो वो खुद ने जो है वो जनरेट करवा देगा। तो आप अपनी मर्जी से जिस तरह की कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसी तरह का जो है वो पेन नेम इधर से आप यूज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी का, ठीक होगी बात बच्चे। ये था आपका पेन नेम्स के रिलेटेड। सेकंड आपका टॉपिक था ऑथर सेंट्रल पेज के रिलेटेड। तो वो मैंने बताया कि जो आपका जिस स्टोर का आप ऑथर सेंट्रल बनाना चाहते हो तो उसी के ऊपर जो है वो आपने इसे ओपन करना है। क्या ओपन करना है जी, ऑथर सेंट्रल, ठीक है, .amazon.com। तो इसे इंटर करवाएं और आपका पेज जो है वो लॉगिन हो, अगर आपने जो है वो लॉगिन पहले से ही है तो डायरेक्टली लॉगिन करवाएगा, अगर साइन आउट किया तो आपको एक दफा लॉगिन करवाना पड़ेगा, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो एडिट करें, जिसमें आप अपनी बायोग्राफी पुट करें और अपनी पिक्चर को जो है वो अपलोड करें, अपनी पिक जो है वो अपलोड कर दें। फिर बात मैंने जो है वो इधर बताई थी कि आपके लिंक को जो है, जो प्रोफाइल लिंक है उसे आप कॉपी करके खुद से प्रमोट भी करवा सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया टूल्स हैं उन सब पे, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपकी रैंकिंग जो है वो बढ़ती है, ठीक है, आपका पेज जो है वो प्रमोट होता है। जैसे ही पेज चैनल आपका प्रमोट होगा आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली जो है वो बच्चे बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था मैनेज ब्लॉग फीड्स है, इसमें आप अपना ब्लॉग जो है वो बना के अटैच कर सकते हो साथ में, ठीक है। यानी कि अपनी पर्सनल जो है वो अपडेशन कि 1 month के अंदर आपने काम क्या किया, कोई भी न्यू जो है वो इंसिडेंट आए, कोई भी वाकया हो, तो आप इधर जो है वो अपडेट कर सकते हो, ताकि आपके क्लाइंट, आपके यूजर, आपके फैन आपके साथ जो है वो अपडेट रह सके, आपकी जो है वो हर तरह की खबर उन्हें पहुंचती रहे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटे आप फोटोज एंड वीडियोस भी अटैच कर सकते हो, ठीक है जी, ये सीन। इसके बाद बेटे आप बुक्स जो है वो किस तरीके से ऐड करनी है, ये हमारा टॉपिक था। तो आप 3 तरह से जो है वो बुक को ऐड कर सकते हो। ऐड ए बुक में जाके आप अपना ऑथर नेम सर्च करके कर सकते हो, ISBN नंबर अटैच करके सर्च कर सकते हो, या बुक का टाइटल जो है वो लिख के सर्च कर सकते हो, ठीक है जी। ये 3 तरह से आप अपनी बुक को अटैच करवा सकते हो, ठीक होगी बात बच्चे। ये सीन है, बुक सिलेक्ट करने के बाद उसे बुक को ऐड करवा देना है। ये सारी की सारी बुक्स है मेरी, ये तकरीबन 400 के राउंड अबाउट होंगी, ये सारी की सारी मेरी बुक्स हैं। ये देखें जी, ठीक है,
तो जब कोई भी ऑथर, अगर कोई भी आपका फैन है, उसे कोई भी आपकी स्टोरी अच्छी लगती है, तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से यूट्यूब पे आपको किसी भी पर्सन की वीडियो अच्छी लगती है, तो आप उसका चैनल ओपन करके मस्त उसकी बाकी वाली वीडियोस भी देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी पर्सन आपकी बुक को रीड करता है तो रीड करने के भी पैसे मिलते हैं, अगर कोई परचेज करता है तो उसके भी ऑफ कोर्स जो है वो पैसे मिलेंगे। ये सारी की सारी मेरी बुक्स हैं नीचे और ओपन होती जाएंगी। ठीक है जी, ये सारा सीन है बेटे। अभी ये कोई भी बुक मैंने ऐड नहीं की, आप जो है वो ऐड करके इसे जो है वो 400 के राउंड अबाउट बुक्स हैं, तो आप जब इसे ऑथर सेंट्रल पेज के साथ ऐड करवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल है वो बढ़ेगी। ठीक है, फिर जितने ही आपके फॉलोअर ज़्यादा होते जाएंगे, आप कोई भी काम अपलोड करते हो, फॉर एग्जाम्पल 1000 है, तो इसका मतलब 1000 में से कोई 100% तो देखेगा ना, या 100% तो उसको खरीदेगा ना, तो इसका मतलब आपके $100 बन गए, अगर $1 प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है, ये सीन है बच्चे असल। ठीक होगी बात, ये था बेटे आपके बुक्स को ऐड करवाना। उसके बाद अत्ता